राष्ट्रपति कह रहे हैं, महापुरुष यहाँ पर महात्मा गांधी को, युग पुरुष कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्या सही होता है यहाँ पे? देखो मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये किसी पार्टी के नहीं होते, और ये उन्हें शोभा भी नहीं देता कि एक पार्टी विशेष का ही प्रचार कर रहे हैं वो। एक पार्टी विशेष का ही प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी को युग पुरुष बता रहे हैं। अब उनका क्या है, आज मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें भगवान का फोटो के साथ मोदी जी का फोटो दे रखा, मोदी जी भगवान बना रखे। अब अपनी अपनी सोचने की और रह गई कि संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी सिर्फ थोड़ा सा आपने देखा है, आगे जो देखने वाले हैं उसको देखकर आप भी शॉक्ड होने वाले हैं। तो चलिए ना टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। क्या कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी पार्टी विशेष की वो करे सरकार, और इसमें विपक्ष अगर बोल रहा है तो सही है, विपक्ष का कहना भी सही है। अब उसे विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए इनमें बहुत कुछ साधन है, दबा देंगे। अभी जैसे कि अब इलेक्शन हो गए, 5 राज्यों में हो चुके, अब तेलंगाना में होंगे। हाँ तेलंगाना में होंगे। अब ईडी है ना, बिल्कुल चद्दर तान के सो जाएगी एकदम, क्योंकि अब उसके पास काम ही नहीं है, जो काम था उसने 1.5 महीने में कर लिया। अब जैसे ही ये लोकसभा के चुनाव आएंगे तो उन्हें एक लिस्ट थमाई जाएगी कि भाई इस राज्य में और इस जगह जाके इस मंत्री पे या उसके बेटे पे या उसके चेले पे छापा घेरना है। और जबकि आप जानते हो मैडम, अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता दूं, ईडी और सीआईडी की कार्रवाई इतनी गुप्त होती है कि मेरे ख्याल से सिर्फ टॉप के जो उनके ऑफिसर हैं उनके अलावा का पता नहीं होता कि भाई कहाँ छापा घेरना, कहाँ जा रहे हैं। यहाँ तो उन्हें 2 महीने से पहले पता है कि केजरीवाल के यहाँ छापा घेरना, क्योंकि उनके सांसद दिल्ली के और दिल्ली के बीजेपी के सचदेवा जो अध्यक्ष हैं, वो 2 महीने से पहले हल्ला मचा रहे हैं कि आपके अरविंद केजरीवाल अंदर जाएंगे, और उन्हें भी नोटिस मिल गया। वो जल्द बोल कोई घोटाला जो हुआ है या नहीं हुआ वो तो बात की बात है। तो मेरी समझ में नहीं आता, एक राष्ट्रपति एक पार्टी विशेष की प्रचार कर रहे हैं, उन्हें युग पुरुष बता रहे हैं, और एक तरफ सीबीआई और ईडी है जिनकी पहले से ही पता लग जाती है आपके यहाँ किसके यहाँ छापा घेरना है। तो मुझे तो लगता है कि देश में है ना, अब संविधान है ना, बिल्कुल खतरे में आ चुका, अब नहीं बचेगा। जिस दिन ये लोग बाग हमारे न्यू जनरेशन है जो खड़े हुए हैं, जिस दिन ये सोचने लगेंगे ना कि राजनीति और धर्म अलग अलग है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बहस हो रही थी कि जो भारत माता की जय जय श्री राम कहेगा वही सच्चा सनाती है। अब ये बताओ मैडम, मैं नहीं कहता किसी नेता के सामने, मैं नहीं कह सकता कि नेता कहे कि मैं जय श्री राम बोलूं या भारत माता की जय बोलूं। मैं देशभक्त हूँ, मेरी दिल की भावना है, मैं कहाँ बोलूंगा, कब बोलूंगा, किससे बोलूंगा। अब तुम कहने लगो कि मैं खड़े हुए पागलों की तरह जय श्री राम और भारत माता के नारा लगाने का हूँ तो मैं देशभक्त हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। ये जब तक राजनीति और धर्म में घुसी रहेगी, अभी मैंने 4-5 दिन पहले पेपर में पढ़ा था, अयोध्या और काशी तो हो गया, अब मथुरा की बारी है, मतलब सन 2024 के चुनाव के लिए पहले से तैयारी है। मोदी जी को विचार लगने लगा होगा कि राम मंदिर 10 साल तक चलता रहा, पब्लिक विचार हो सकता है बोर हो गई है तो उन्हें एक नया टॉपिक दे दो। लगता है ऐसा अंकल जी कह रहे हैं। मैम नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है मैम ऐसा। मैम पहले तो मैम राम मंदिर की बात थी, फिर काशी की, फिर महाकाल लोक बना, अब मथुरा की बारी है मैम। वो मैम धीरे धीरे सारी चीजें सुधार कर रहे हैं मैम वहाँ पे, क्योंकि धर्म की बात चलती रहेगी, काम और विकास की नहीं। मैम धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती मैम। कौन करता है मैम धर्म की राजनीति? अगर बीजेपी करती तो मैम 47 में कांग्रेस थी, बीजेपी नहीं थी 47 का जो मैम वो हुआ था, मैम जो दंगा हुआ था मैम, वो तो इनको पता ही होगा अंकल को मैम, जब बीजेपी नहीं थी। हाँ मैं मानता हूँ, आप मुझे एक भी कोई नेता आज़ादी की लड़ाई में बेचारे बहुत शहीद हुए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सुन लो सिख भी थे, सारी ही कौम थी, और ये हिंदुस्तान सारी ही कौमों का है, किसी एक का मेरा या तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। और रह गए गद्दार हर कौम में मिलते हैं, अब भी हैं, पहले भी थे, और आने वाले टाइम में भी गद्दार मिलेंगे जो देश के पास गद्दारी करते हैं। दूसरी बात मैडम, क्या एज है? 17 इयर्स। 17, कितना समय देखा है अभी तक बीजेपी का? 9 साल 9.5 साल, क्या कुछ समझ में आया? मैम 9 साल में तो मैम बस यही समझ आया कि मैम वो मतलब जो मोदी जी हैं मैम, वो पढ़ाई के प्रति बहुत, मैम बच्चों के प्रति, मतलब बच्चों की उनकी क्या नाम है, एजुकेशन के प्रति, एजुकेशन कि मैम युवा मैम बढ़ाई मतलब बड़े ही बड़े सक्सेस हो। तो फिर शिक्षा पे टैक्स क्यों लगाया, इसकी परिभाषा क्या है?
मैम शिक्षा पे टैक्स की मैम इस बात को तो मुझे नहीं पता मैम, शिक्षा पे टैक्स पता है वो बताइए। 18% जीएसटी है किताब कापियों पे, 18%। एक तरफ आप कहते हो पढ़ाओ और दूसरी तरफ आप नहीं गुस्सा नहीं कर रहा, एक तरफ कहते हैं आप पढ़ो और दूसरी तरफ किताब कापियों पे पढ़ने की चीज़ों पे 18% टैक्स लगता है, ये कहाँ की इंसाफ। अगर पढ़ाई पे मैं वैसे कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ही, सुनो पूरे हिंदुस्तान में ये बिजली पानी 5 किलो आटा बिल्कुल बंद करो, किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्वास्थ्य और शिक्षा हर आदमी का हर नागरिक का कर्तव्य है और उसे मिलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में माफ होनी चाहिए। अंकल वो 18% जीएसटी जो लगाई है मैम वो बच्चों के लिए नहीं लगाई है, जो कंपनी उन्हें सेल करते हैं उनके लिए लगाई है 18% जीएसटी टैक्स। ना बेटा किताब जब तू खरीदेगा तो 18% जीएसटी तुझे देनी पड़ेगी। मतलब बिजनेसमैन बढ़ते चले जाएं वो बस मतलब बिजनेसमैनों के लिए लगाई है ना कि बच्चों के लिए, बच्चों तो उन्हें उन्हीं रेट पे खरीद रहे हैं जो पहले खरीद रहे थे। कल एक आदमी कह रहे थे आप जैसे ही बुरा मत मानना बेटा, पढ़े लिखे हो, कल एक आदमी मुझे नॉलेज दे रहे थे कि SBI बैंक है ना प्राइवेट है, मैं कि भाई आज मैंने पहली बार सुना कि मेरी तो जिंदगी गुजर गई सारी बैंक में पैसा देते जमा करते मैंने मेरा तो लेके भाग जाएगा प्राइवेट है मुझे कल पहले। बेटा जब GST लगती है ना वो GST आपको देनी पड़ती है ना कि बिजनेसमैन को। मैम GST जो GST ID लेनी पड़ती है जब आप सेल करते हो कुछ भी चीज़ें, GST मतलब या तो दुकान है आपकी तो उसके भी GST नंबर होता है, वो GST जो देनी पड़ती है मैम सेलर को ही देनी पड़ती है ना कि कंज्यूमर को। सर 18% को नहीं देनी पड़ती है। पार्ले जी का बिस्किट खाया उसमें 0% मैम कुछ पार्ले जी का बिस्किट खाया कभी? पहले कितने बिस्किट आते थे उसमें? मैम वो पता नहीं मैम पहले नहीं खाया, इतना तो पैकेट आता ही था पार्ले जी, इतना ही था। 10 बिस्कुट अब 6 बिस्कुट, पहले 10 बिस्कुट और अब 6 बिस्कुट, रेट वही है, रेट नहीं घटाया है पर वो बिस्कुट के पैकेट का वजन घट गया। मेरे ख्याल से पहले 100 ग्राम का था और अब शायद 60-65 ग्राम का, मतलब उसमें 4 बिस्कुट कम हो गए। रेट बराबर जनता के साथ गलत है या नहीं है मैम ये जनता? मैम आप ये बताइए, आप बोल रहे हो मैम BJP कर रही है चीज, तो वहाँ पे मोदी जी ने कराया, उस कंपनी को मोदी जी चला रहे हैं, उनका कंपनी का ओनर चला केंद्र सरकार है, सब कुछ केंद्र के हाथों में, मेरे हाथों में तो होगा नहीं। तो मैम केंद्र सरकार उनकी कंपनी से ये थोड़ी कह लेगी कि मतलब इन बिस्कुटों में से तुमने इतने बिस्कुट कम क्यों कर दिए मैम? वो कंपनी बंद कर दो, तुम्हारी नहीं मान रही तो बंद कर दो। मैम ऐसा किसी कंपनी को बिगर कानूनी कार्रवाई के बंद नहीं कर सकते मैम, उनके ऑर्डर मैम वो भी तो कानून को मानते हैं ना, बीजेपी सरकार को ऐसे तो नहीं कंपनियों को भेज सकते हैं, रेलवे को और इसको फलाने को एयरपोर्ट को भेज सकते हैं, तो बंद क्यों नहीं कर सकते? कौन सा भेज दिया? अरे भाई कई एयरपोर्ट है जिन पर अडानी के बोर्ड लगे हुए, लखनऊ के एयरपोर्ट में अडानी का नाम है, और बोलो नहीं मुझे नहीं पता उसका। लाल किला लीज पे पता है? लाल किला लीज पे है ये बिका हुआ है, ये बिरला के पास है, ये बिरला के पास है। लाल किला लीज पे है, सारी जो धरोहर राशियां हैं वो सारी लीज के ऊपर कर रखी है, मतलब अब ये गवर्नमेंट सरकार ने मतलब की तो ये अब कह नहीं सकते हम तो इतना कि मतलब ये अच्छा हुआ है या गलत हुआ है, बाकी इतना बोल सकते हैं कि गरीब आदमी। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।